अज पूरा देश कोरोना महामारी की चपेट के बच्चे, जिस तरह मैं पंजाब दे बच्चे अपने सारे सेव सेना के पदाधिकारी सेव सेना के कार्यकर्ता उन्होंने कुछ खास ड्यूटियां लगाई सन कि जोड़े गरीब वर्ग के लोग है जां जोड़े अदर स्टेटों के लोग जोड़े है साढ़े पंजाब दे बच्चे पंजाब सूबे दे बच्चे काम करने वास्ते आए हैं, जिन्हों का इस वेले रोजी रोटी का कोई भी जरिया नहीं है, उन्होंने खाने की व्यवस्था जिहड़ी भी चीज़ की उन्होंने जरूरत है वो व्यवस्था वास्ते कुछ सिव सैनिकों पंजाब ड्यूटियां लाइया सी। मैनू फकर है उन्होंने सिव सैनिकों पर सब तो पहले जिला फाजिलका की जी टीम है साढ़े जी फाजिलका की पूरी टीम है वो दिन रात लोगों की सेवा वास्ते अपने जिले की सेवा वास्ते और खास करके पंजाब पुलिस के जोड़े जवान है उन्होंने उत्साह बढ़ाने वास्ते काम कर रही है। ऐसे सिव सैनिका तो गर्व की बात है क्योंकि बाला साहब ठाकरे जी के दिखाए मार्ग के उपर अज पंजाब के पूरे सिव सैना के पदाधिकारी सिव सैनिक जोड़े है काम कर रहे हैं। दूजे नंबर से साढ़े श्री गुरमीत सैनी जी प्रदेश के सचिव ने फगवाड़े तो जिला कपूरथले तो वो लगातार लंगर की व्यवस्था लोगों की कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं समाज की, पंजाब पुलिस के नाल कंधे नाल कंधा मिला के सेवा कर रहे हैं। तीजे नंबर से साढ़े पार्टी प्रवक्ता जिला प्रमुख श्री सुभाष गोरिया जी जिहड़े जलंधर तो ने वो बहुत वधिया तरीके काम कर रहे हैं, लोगों को कच्चा राशन जिहड़ा उन्होंने वंडिया पहले तो उन्होंने बना के भी लोगों राशन लंगर खवाया तो बहुत वधिया उपराला करके वह भी दिन रात जिहड़ा गा लोगों वास्ते पंजाब वास्ते पंजाबी वास्ते काम कर रहे हैं। इसके बाद नंबर आता से लुधियाने तो रवि वर्मा जी प्रदेश सचिव ने साडे युवा सेना के सॉरी जिला प्रमुख ने और रोहित वर्मा जी ने उन्होंने टीम साढ़े जिला प्रमुख जी ने अपने बहुत वधिया काम उत्थे लुधियाने विखे कर रहे हैं। इस तरह जिला हुशियारपुर के विचों राणा साहब ने वो देखा मैं हुशियारपुर के विच काफ़ी समाज सेवा कर रहे हैं। प्रदेश सचिव ने प्रिंस कतना जी मकेरिया तो वो भी गरीब वर्ग बाहरों बाहरिया स्टेटा तो आए लोगों की कच्चा राशन लोगों को वंड रहे हैं बहुत वधिया तरीके सेवा कर रहे हैं। तो मैं ऐसे सिव सैनिक के माण है संजीव भास्कर जी ने अमृतसर तो बलविंदर कुमार जिला प्रमुख ने साढ़े कत्थू नंगल तो ने देहाती जिला प्रमुख ने जिला अमृतसर तो इस तरह अलग अलग जिलों में साढ़े सिव सैनिक जिन्हों का मैं नाम ना लै सकता उन्होंने भी दिल की कराइया बहुत बहुत धन्यवाद कर रहे हैं। इस तरह पठानकोट जिले के लगातार 15-20 दिन तो लंगर की जी व्यवस्था बना के अपना काफ़ी जोड़े लोग अदर स्टेटा चो आए उन्होंने वास्ते भोजन की व्यवस्था आप कर रहे हैं। माण ऐसे सिव सैनिक जिन्होंने बाला साहब ठाकरे जी दिन नीतियां जो उन्होंने सानू सिखाया से 80% समाज सेवा करनी है तो 20% आप राजनीति करनी है। अज पंजाब के सिव सैनिक ने 100% जी है समाज सेवा दे लाया लोगों को अवगत करवा रहे मास्क वंडे जा रहे हैं बहुत वधिया उपराला जिहड़ा सिव सैनिक के लोगों ने सिव सैना के कार्यकर्ता ने किया। कुछ लोग सिव सैना के पंजाब च उंगलियां भी खड़िया करते रहे कि सिव सैना जी कुछ नहीं करती। मैं उन्होंने लोगों को यह चीज़ जोर देकर दसना चाहवागा कि अज जे लोग सिव सैना के प्रति कोई ऐसिया वैसिया सोचा रखते से उन्होंने मूँह तो बहुत एक उच्ची चपेट जी है मारी गई है। तो मैं मौजूदा पंजाब की जी गवर्नमेंट उन्होंने निवेदन करदा रिक्वेस्ट करदा प्रार्थना करदा कि जिन्हें भी पंजाब के मंदिर गुरद्वारे साहब ने उन्हां पाठियां नूं मंदरां दे पंडतां नूं एक आदेश जारी करन अपने वालों कि सारे पंजाब की अमन शांति वास्ते इस बीमारी तो बचने लिए अपने अपने तरीके नाल गुरद्वारा साहब विच मंदरां विच हवन जग का जिहड़ा हैगा वह एक सिस्टम बनाउण पंजाब वास्ते पूरे हिंदुस्तान वास्ते इस महामारी तो बचने लिए प्रभु दे अगे प्रार्थना करन तां जो मेरा देश पहले की तरह फिर तो चल पवे खड़ा हो सके और आपां इस बीमारी तो वधिया तरीके नाल अपने हिंदुस्तान नूं बचा सकीए। इन्हां शब्दां नाल मैं लास्ट दे विच पूरे पंजाब दे लोगां नूं पूरे हिंदुस्तानी वासियां नूं निवेदन करदा कि जिहड़ी कोरोना महामारी ने साडे देश नूं अपनी चपेट दे विच लिया जिस तरह साडे आदरणीय हिंदू हरद सम्राट बॉम्बे दे विच महाराष्ट्र दे विच सीएम पद ते ने वधिया तरीके नाल काम कर रहे ने रोज़ लोगों नूं नवी नवी अपडेट दे रहे ने चाहे
ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਦਰ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਆਦਰਣੀ ਹਿੰਦੂ ਸਮਰਾਟ ਉਧਵ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਾਰੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਹੱਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚਪੇਟ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕੀਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਧਾਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਮ ਸੋ ਕਮ 50-50 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਮਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿਵੇਦਨ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 50-50 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਦਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਿਰਦੇ ਸਮਰਾਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ?